सावन के पहले सोमवार पर हर शिव भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करना चाहता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण कई शिव मंदिरों में जलाभिषेक पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भदोही जिले के प्राचीन बाबा हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक का नया तरीका निकाला गया और कुछ तकनीक का उपयोग करने के बाद भक्तों की जलाभिषेक की मनोकामना पूरी हुई। ज्ञानपुर में स्थित हरिहरनाथ मंदिर में स्थापित प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए मंदिर व्यवस्थापकों द्वारा गर्भगृह के बाहर दो बड़े बर्तन लगाए गए और उसे पीप से जोड़कर शिवलिंग तक ले जाया गया, जिससे भक्त बिना गर्भगृह में प्रवेश के जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। स्टील के बर्तनों में जल और दूध डालते ही वो सीधे शिवलिंग की ओर अर्पित होता है और छोटे से गर्भगृह में भीड़ की भी कोई समस्या पैदा नहीं होती। इस तरीके से जो भक्त लोग जो जल चढ़ा रहे हैं बहुत खुश हैं कि कम से कम भगवान को जल तो उनके मस्तक पर पहुंच जा रहा है। इतने दिनों से भगवान के ऊपर जल डालने के लिए परेशान थे, जल नहीं पड़ रहा, और उसके साथ साथ भक्त खुश हैं तो हम भी खुश हैं। भक्तों की खुशी में हमारी खुशी है, क्योंकि प्रभु की जो प्रेरणा मिलती है वही हम काम करते हैं, उनके बगैर प्रेरणा काम कोई काम नहीं। अच्छा, भक्तों की संख्या की क्या स्थिति है पिछले वर्ष की अपेक्षा, इस वर्ष क्या देखा जाए? अभी तो आज पहला सोमवार है, फिर भी हमारे दर से लगभग 5 बजे से ही भक्तगण जो है दरबार में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक बाहर से ही कर रहे हैं, और माला फूल सब रोक लगा हुआ है, फिर भी जो ले आता है जो चीज वही नंदी बाबा के पास रख देता है। ये आइडिया कैसे आपके मन में आया? बिल्कुल, ये अभी 10-15 दिन पहले हम जो है बाहर निकले हैं, पहुँचे वैसे हम साउथ में भी इसको देखे थे, लेकिन अपने ज़िले में हमने देखना चाहा कि आखिर में ये सुविधा कहाँ है। तो एक दिन हमने गाड़ी रिजर्व करके हम गए सिमराजनाथ, गोपीगंज, सीतामढ़ी। तो हमें सिमराजनाथ में कुछ समझ में आया कि एक चुआ लगा हुआ है जिसके द्वारा वहाँ शिव का जो है शिवलिंग नीचे है, ऊपर से लोग भक्त लोग जलाभिषेक करते हैं, बाबा भोलेनाथ के ऊपर जल जाके पड़ता है। तो हमारे साथ अपना एक मिस्त्री है हमारा, उसको हम लेके गए थे, हमने कहा कि अब बेटा इसको देखो, हमारे यहाँ तो बाबा ऊपर हैं, उनके पास कैसे जल पहुँचे। उस मिस्त्री का नाम है सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, और हमारा प्रिय शिष्य है, उसने अपने पैसे से बनाया है, हमने अभी पैसा भी उसको नहीं दिया है, अपने पैसे से उसने बना के लगा दिया, और अब जो है भगवान पर जलाभिषेक चल रहा है, आप लोगों के सामने है वो। मंदिर प्रशासन द्वारा इस तरीके के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है, और मंदिर प्रशासन द्वारा ये सुविधा दिए जाने से भक्तों में भी खुशी है कि वो आसानी से जलाभिषेक कर पा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट।